लेट द रियल यू शाइन विद फ्लाइलॉजिकल। आज हम आपके लिए 2023 5 जनवरी के करंट अफेयर्स लेके आए हैं। चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस है हमारे। पहला ऑप्शन है हमारा ए रक्षा मंत्रालय, बी ग्रामीण विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रेल मंत्रालय। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है बी ग्रामीण मंत्रालय। चलिए व्याख्या देख लेते हैं प्रश्न की। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। व्याख्या के बाद अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की ओर बढ़ेंगे। इसी के साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी का पहला प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा स्वच्छ अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया गया है? आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेल मंत्रालय कितने छोटे स्टेशनों का नवीनीकरण करेगा? 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय द्वारा नई चेतना नामक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है? ग्रामीण मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किस शहर में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 2022 सम्मेलन का आयोजन किया गया है? वाराणसी। चलिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? ऑप्शन है हमारे। पहला ऑप्शन है कैप्टन शिवा चौहान, पुनीत अरोड़ा, मिताली मधुमिता, दीपिका मिश्रा। इसका सही उत्तर देखते हैं क्या हो सकता है। इसका सही उत्तर है ए कैप्टन शिवा चौहान। चलिए व्याख्या देख लेते हैं इसकी। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। व्याख्या के बाद बढ़ेंगे अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की ओर। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया है? मेघा अलावत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? केवी शाहजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे प्रसार भारती के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? गौरव द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? मनीष सी शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेडरल रिजर्व बैंक की भारतीय मूल की प्रथम महिला उत्पादक्ष कौन बनी है? सुष्मिता शुक्ला। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाशय सहायता कोष की शुरुआत की है? ऑप्शंस है हमारे ए उत्तराखंड, बी सिक्किम, सी हिमाचल प्रदेश, डी महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है सी हिमाचल प्रदेश। चलिए व्याख्या देख लेते हैं प्रश्न की। हिंदी इंग्लिश दोनों में है व्याख्या। व्याख्या के बाद अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की ओर बढ़ेंगे। व्याख्या पूरी पढ़िए क्योंकि ये प्रश्न से जुड़ी है। चलिए अन्य महत्वपूर्ण जानकारी का पहला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने एनीमिया उन्मूलन कार्यक्रम AMLAN लॉन्च किया है? उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार CM द्वारा ई उपहार पोर्टल और CM डैश बोर्ड लॉन्च किया गया है? हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अक्षय ऊर्जा के तहत सोलर रूफ टॉप प्रोजेक्ट शुरू करने का निर्णय लिया है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में अलग दिव्यांग विभाग स्थापित करने की घोषणा की है? महाराष्ट्र। चलिए अगला प्रश्न देख लेते। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के मांड्या में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया है? ऑप्शंस है हमारे। पहला ऑप्शन है नागालैंड, बी उत्तराखंड, सी असम, डी कर्नाटक। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? इसका सही उत्तर है डी कर्नाटक। चलिए प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। व्याख्या के बाद अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की ओर बढ़ेंगे। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी का पहला प्रश्न है,
भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड ने किस राज्य के 10 जिलों में जिला न्यायालय डिजिटाइजेशन हब का उद्घाटन किया है? उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में उत्तर भारत के पहले डाटा सेंटर का उद्घाटन किया गया है? ग्रेटर नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने किस शहर में अब तक की पहली 2 मंजिला 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई का उद्घाटन किया है? अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में भारत की पहली माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया है? मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस शहर में इंडियन रोड कांग्रेस का उद्घाटन किया है? लखनऊ। चलिए अगला प्रश्न, मई 2023 तक 100% सीवरेज सुविधाओं वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन जाएगा। ऑप्शंस है हमारे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है सी, हैदराबाद। आइए व्याख्या देखते हैं प्रश्न की, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। व्याख्या के बाद अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की ओर बढ़ेंगे। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी का पहला प्रश्न है, किस राज्य में देश का पहला एकीकृत रॉकेट डिजाइन निर्माण व परीक्षण केंद्र स्काई रूट स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म ई फास्ट इंडिया लॉन्च किया गया है? नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, के हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? IDFC फर्स्ट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी जिलों में 5G सेवा पाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? गुजरात। चलिए अगला, हाल ही में किसने भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान के कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला है? ऑप्शन है पंकज मोहन सिन्हा, विपिन कुमार, जगदीश प्रसाद सिंह, तेजेंद्र त्रिपाठी। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है पंकज मोहन सिन्हा। आइए प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। व्याख्या के बाद अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की ओर बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न, हाल ही में एन चंद्रशेखर को किस राज्य सरकार की सलाहकार परिषद के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे विधि आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ऋतुराज अवस्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हसमुख आधिया किस राज्य के मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए हैं? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे हाल ही में अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत निर्वाचन आयोग ने हाल ही में किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है? पंकज त्रिपाठी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में किसने एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव के रूप में कार्यभार संभाला है? ऑप्शंस हैं पंकज त्रिपाठी, बी विनय प्रकाश सिंह, सी कृष्णदेव आर्य, डी महेंद्र कुमार। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है बी, विनय प्रकाश सिंह। चलिए अगला, इसकी व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न की, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में है। व्याख्या के बाद अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की ओर बढ़ेंगे। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस लेफ्टिनेंट जनरल को सेना का इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया है? लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे सरकार द्वारा RBI के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया है? विवेक जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी का निदेशक नियुक्त किया गया है? देवा सिसा मोहंती। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण में मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? गंजी कमल वी राव। चलिए अगला प्रश्न देख लेते, कौन सा देश हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया है? ऑप्शंस है हमारे जापान, बी चीन, सी बांग्लादेश, डी अमेरिका। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है? देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है बी, चीन। चलिए व्याख्या देख लेते हैं प्रश्न की,
हिंदी इंग्लिश दोनों में है। व्याख्या के बाद अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की ओर बढ़ेंगे। व्याख्या जरूर पढ़िए, व्याख्या प्रश्न से जुड़ी होती है, ये मैंने हिंदी में भी लिखी है और इंग्लिश में भी। चलिए व्याख्या के बाद अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के प्रश्न देख लेते हैं स्क्रीन पर। दे दीजिए कंप्यूटर जी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं ये। किस देश में जमी हुई झील के नीचे से 408,500 वर्ष पुराने ज़ॉम्बी वायरस को खोजा गया है? रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के बुसान में 10वां भारतीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया है? दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पारित किया है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के बगेट ब्रेड से जुड़े कुटीर ज्ञान को यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश ने हाल ही में प्रवासन और गतिशीलता सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए हैं? जर्मनी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो।